हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो सम स्पेशल केसेस में हम लोग जो जर्नल एंट्री अभी बना रहे हैं, लगातार मैंने इस पे दो तीन चार वीडियो डाले हैं। उसी पर यह भी है कि विशेष अलग तरह के परिस्थिति में क्या जर्नल के एंट्री किए जाते हैं, तो उसी पर यह भी वीडियो है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या नए नए परिस्थितियां हैं, जैसे कि इस पे हमने जो रखा है, इसमें जो सारे मैं बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि जो जर्नल एंट्री ट्रांजेक्शन का जो एंट्री करने जा रहा हूँ, उसमें से जैसे है कि मान लीजिए खर्च का बाकी रह गया, खर्च हमने टाइम पे उसका पेमेंट नहीं किया, वो बकाया बकाया रह गया, तो उसके लिए क्या एंट्री होगा? या हमने किसी खर्च को एडवांस में पे कर दिया, अभी उसका टाइम आया नहीं था, पहले ही हमने पे करके रख दिया, तो एडवांस में एक्सपेंस कर दिया, तो क्या एंट्री होगा? या इनकम हमारा हुआ नहीं अभी और हम वो पैसा ले लिए हैं, तो क्या एंट्री होगा? कमाई हुई नहीं है, वो पैसा हम ले लिए, तो क्या एंट्री होगा? या कमाई हो गई है पर हम अभी तक वो पैसा हमें नहीं मिला, हमने नहीं लिया, तो क्या एंट्री होगा? तो इसे देखते हैं, उसके बाद कुछ देखेंगे एंट्री, जैसे कि अगर गुड्स डोनेट कर दिया तो क्या एंट्री करेंगे, या गुड्स फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया तो क्या एंट्री करेंगे, तो ये सारा देखेंगे। तो पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। क्या किया हमने? इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट एडवांस में कर दिया, पहले ही दे दिया, अभी उसका टाइम नहीं आया, पहले ही वो जो प्रीमियम का पैसा है हमने पे कर दिया, तो पेमेंट किया हमने, खर्च का एडवांस में पेमेंट किया, तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। कितना है? तो 2000 रुपए। 2000 रुपए प्रीमियम के हमने एडवांस में दे दिए, चुका दिए। इसी तरह ये दूसरा कुछ भी हो सकता है, रेंट का भी एडवांस हो सकता है, तब क्या होगा? प्रीपेड रेंट हो जाएगा। अगर सैलरी हमने एडवांस में दे दिया है तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। जो खर्च रहेगा उस खर्च का नाम लिखेंगे। तो बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, ये हो गया। दूसरा, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। यहां पे एडवांस है, यहां पे एडवांस है, फर्क क्या है? वो एडवांस हम दे रहे हैं और ये एडवांस हम ले रहे हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में हमने पे किया और रेंट एडवांस में हम ले रहे हैं, ठीक है? तो ये जो खर्च जो एडवांस में दे दिया हमने, हमारे लिए वो करंट एसेट हो गया, और ये एडवांस जो हम रेंट का लेंगे वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी होगा। एडवांस दे देना एसेट हो गया, करंट एसेट, और एडवांस लिया हमने तो वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, इसके लिए क्या एंट्री होगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट। कितना? 1500 रुपए, ये हो गए। बीइंग रेंट रिसीव्ड इन एडवांस तीसरा देखते हैं। तीसरा, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सैलरी का टाइम आ गया, सैलरी हमें दे देना चाहिए था वो, पर हम अभी दिए नहीं, तो ये खर्च का बाकी है, तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना? 3000 रुपए। ये खर्च हो गया पर हमने उसका भुगतान नहीं किया। बिंग सैलरी ड्यू बट नॉट पेड येट। इसी तरह दूसरा कुछ भी, यहां भी हो सकता था, रेंट के जगह कमीशन हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, जो रहेगा वही लिखेंगे। ऐसे सपोज कमीशन रहता तो यहां पे कमीशन अकाउंट नहीं, तो अनअर्न्ड कमीशन करते। उसी तरह सैलरी में भी, सैलरी बाकी है तो किया हमने सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट।
अगर इंटरेस्ट बाकी रहता तो करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ये खर्च का बाकी है, ठीक है। तो खर्च के बाकी के लिए हमने ये एंट्री किया सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, अगर कमीशन रहता तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, या रेंट बाकी रहता तो करते रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, जो बाकी रहता उसका नाम लिखते हैं, जो खर्च बाकी रहता है। या तो ये हो गया, यहां पे क्या है, ये खर्च का बाकी था, सैलरी बाकी था, हमने नहीं दिया अभी तक, तो बकाया का एंट्री हो गया। अब यहां भी है कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यहां पे था ड्यू बट नॉट पेड, खर्च बाकी है हमने भुगतान नहीं किया, ये लायबिलिटी है, और ये कमाई हमारा बाकी है जो हमें अभी तक नहीं मिला, ये करंट एसेट्स, खर्च का बाकी, करंट लायबिलिटी और खर्च आमदनी का बाकी, करंट एसेट्स। तो इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, तो इसके लिए एंट्री होगा एक्रूड कमीशन अकाउंट कमीशन है ना टू कमीशन अकाउंट कितना 1600 रुपए, लिंक कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, माल जो है हम बेचते हैं तब तो वो घटता ही है, बेचने पे माल में जितना बेचते जाएंगे उतना माल हमारे स्टॉक से निकलता जाएगा, उसके अलावा भी कुछ कारण होते हैं जिससे माल हमारा घट जाता है। तो बेचने के अलावा किसी दूसरे वजह से जब भी हमारे माल में स्टॉक में कमी आती है तो वहां पे परचेज क्रेडिट होता है, कई कारण हो सकते हैं, माल चोरी हो गया, माल का किसी तरह से बर्बाद हो गया, तो उस पे ये सारा एंट्री देखते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ एंट्री मैंने पीछे के वीडियो में स्पेशल केसेस वाले वीडियो में ही डाले, पर उसमें इंश्योरेंस क्लेम वगैरह दिखाया था हमने, यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे गोड्स वर्थ ₹500 विड्रॉन बाय फॉर पर्सनल यूज डोमेस्टिक यूज, मतलब बिजनेस के मालिक द्वारा निकालना, पर्सनल यूज का मतलब ये हुआ कि बिजनेस के मालिक द्वारा गोड्स निकाल लेना, घर के यूज के लिए या अपने निजी यूज के लिए, अपना वो पर्सनल यूज में ले रहा है, बिजनेस के यूज में वो नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ, ड्रॉइंग्स है, तो क्या होगा यहां पे एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि वो कैश नहीं निकाल रहा है गोड्स निकाल रहा है, तो टू कैश नहीं कर देना है गलती से, टू परचेजेज अकाउंट, कितना भाई, तो 500 का गुड्स वो अपने पर्सनल यूज में ले रहा है, प्राइवेट यूज में ले रहा है, बीइंग गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, दूसरा गुड्स वर्थ रुपीज 1000 गिवन अवे एज चैरिटी, दान में दे दिया गया 1000 रुपए का गुड्स, तो यहां पे क्या करेंगे एंट्री, जिस कारण से गुड्स हमारा घट रहा है वो कारण डेबिट करेंगे और वहां पे परचेज को क्रेडिट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट कितना 1000 being goods given away as charity। अब ये जो दान में दे रहे हैं या पर्सनल यूज में दे रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जिस कारण से हमारा गुड्स घट रहा है उस कारण को डेबिट कर रहे हैं और यहां परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं, पर अगर कैश निकला होता तो क्रेडिट हमारा परचेज नहीं होगा, फिर कैश होता, तो चूंकि उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहां पे बात कर रहे हैं कि गुड्स में हमारे स्टॉक में कमी आ रही है और वो आ रही है बेचने की वजह से नहीं, बेचने के अलावा किसी और कारण से आ रही है, तो उसमें क्या करना है, परचेज को क्रेडिट करना है और जिस कारण से वो कमी आ रही है उसे डेबिट करना है। तो पहला क्या था, ड्रॉइंग्स किया था पर्सनल यूज के लिए, दूसरा क्या, दान में दिया माल चैरिटी के लिए,
तीसरा है गुड्स वर्थ रुपीज 2000 स्टॉलन अवे बाय एम्प्लॉई, किसी कर्मचारी द्वारा चोरी कर लिया गया। तो यहां पे तीसरा क्या होगा, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने की चोरी हुई है, 2000 रुपए की, तो 2000 रुपए के गुड्स बिंग गुड्स वेयर स्टॉलन अवे। तीसरा ये हो गया। अच्छा गुड्स वर्थ रुपीज 5000 डैमेज बाय फायर, डैमेज बाय रेन, फायर आ गया, क्योंकि फायर पे हमने एंट्री बनाया कि डैमेज हो गया फायर से, तो क्या माल डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, तो क्या एंट्री करेंगे, ये पीछे के वीडियो में है। तो ये बारिश से बर्बाद हो गया, तो उस समय भी बताया था मैंने, अभी फिर बता रहा हूं कि जिस कारण से बर्बाद हो रहा है उसका लॉस बाय दैट काउज, तो लॉस बाय रेन, बारिश से बर्बाद हो गया, तो हम क्या करेंगे, एंट्री लिखेंगे लॉस बाय रेन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितने का माल बर्बाद हुआ बारिश से, 5000 रुपए का, 5000 बिंग गुड्स डैमेज बाय रेन। ये हो गया। और लास्ट गुड्स वर्थ रुपीज 3500 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नमूने के रूप में बांट दिया है। ये नमूना बांटते क्यों है, बिजनेस में बांटा क्यों जाता है, सीधा इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, सेल को प्रमोट करना, बढ़ाने के लिए बांटने का काम करते हैं, जिससे कि हम कस्टमर हमारे प्रति, हमारे बिजनेस के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्ट हो। तो ये एक तरह का प्रचार है, विज्ञापन है। तो यहाँ पे हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो लिखना फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, या लिख लेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट ही लिख देता हूँ, फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 3500 बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो ये हो गया। तो सभी में हमने देखा यहां पे क्या हो रहा है, मैंने अभी बताया आपको कि माल बेचते हैं तो भी हमारा गुड्स अगर सेल करते हैं बिजनेस से तो स्टॉक में कमी आती है, लेकिन सेल के अलावा भी कई कारणों से स्टॉक में कमी आ जाती है, वो सारे कारण दिखाए। तो सेल के वजह से कमी आती है तो वहां पे तो सेल्स होता है, तो सेल्स को क्रिएट करते हैं, पर सेल्स के अलावा दूसरे किसी भी कारण से हमारे स्टॉक में कमी आती है तो वहां पे हम परचेस को क्रेडिट करते हैं। और डेबिट किसे करते हैं, तो जिस कारण से वो कमी आ रही है उसे डेबिट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, आप लोग चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलेंगे। थैंक यू।